नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में आपका है। आइए आज हम सोया मेथी की सब्जी कैसे बनती है उसको अच्छी तरीके से ध्यान दे के देखिए। और सोया मेथी के साथ में आलू है जो हम भुजिया सब्जी बनाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये मेरा 2 टेबल स्पून ये बड़ा वाला ये सरसों का तेल है। और कभी भी साग बनाइए, देखिए इसमें 3 आलू है, 1 लहसुन की पोटी है, 5 से 7 हरी मिर्च है। और ये इसमें मेरा 50 ग्राम जो ये मेथी है ये मेरा 50 ग्राम है, और ये हमारा सोया जो है 200 ग्राम है, कुल 250 ग्राम है, जिसमें हम 3 आलू ये काट कर मैंने रख लिया है धुल कर। अब मैं इसमें मेथी डालना पहले डालती हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसे मेथी डालिए जिससे हमारा ये बहुत ही सोंधा और बहुत ही अच्छी सब्जी के स्वाद में राहत देता है। और ये हम लहसुन को देखिए हम काटेंगे नहीं, सीधे हम बड़े बड़े पीस में डाल देंगे, क्योंकि ये अभी साग में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें मेथी मिर्चा लहसुन हो गया, अब इसके बाद इसमें हींग डालेंगे, जो सबसे ज़रूरी है हींग। साग में तो हींग थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिए, ये देखिए 1 पिंच हींग डाल दीजिए। मेथी पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, कभी भी कोई साग बनाइए उसमें मेथी आप ज़रूर डालिए। अब ये सब हमारा ये लाल हो जाए, और इसके बाद ये हम इसमें आलू को फ्राई करेंगे इसी के साथ में ही। और मुश्किल से 10 मिनट में ये साग पकता है, सिर्फ आलू को बस फ्राई होने तक का टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट या 8 मिनट बस जो टाइम लगे। अब देखिए हम इसमें आलू को फ्राई करेंगे। अब तो मेथी जाड़े में तो बहुत ही अच्छी सब्जी मानी जाती है, साग के मामले में आलू सोया है या आलू सोया मेथी है, आलू पालक सोया मेथी सब मिला के बनाते हैं। देखिए अब ये इसको लाल हो जाए तो हम आपको इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे हमारी ये स्वाद अनुसार ये जल्दी से गुलाबी ब्राउन, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, ये जल्दी से भुज जाता है। ये 2 से 3 मिनट में अब ये लाल हो जाए तो हम आपको दिखाते हैं, फुल फ्लेम करके ही इसको करना है। मेथी के साथ में आलू है जो हम भुजिया सब्जी बनाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये मेरा 2 टेबल स्पून ये बड़ा वाला ये सरसों का तेल है। और कभी भी साग बनाइए, देखिए इसमें 3 आलू है, 1 लहसुन की पोटी है, 5 से 7 हरी मिर्च है। और ये इसमें मेरा 50 ग्राम जो ये मेथी है ये मेरा 50 ग्राम है, और ये हमारा सोया जो है 200 ग्राम है, कुल 250 ग्राम है, जिसमें हम 3 आलू ये काट कर मैंने रख लिया है धुल कर। अब मैं इसमें मेथी डालना पहले डालती हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसे मेथी डालिए जिससे हमारा ये बहुत ही सोंधा और बहुत ही अच्छी सब्जी के स्वाद में राहत देता है। और ये हम लहसुन को देखिए हम काटेंगे नहीं, सीधे हम बड़े बड़े पीस में डाल देंगे, क्योंकि ये अभी साग में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें मेथी मिर्चा लहसुन हो गया, अब इसके बाद इसमें हींग डालेंगे, जो सबसे ज़रूरी है हींग। साग में तो हींग थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिए, ये देखिए 1 पिंच हींग डाल दीजिए। मेथी पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, कभी भी कोई साग बनाइए उसमें मेथी आप ज़रूर डालिए। अब ये सब हमारा ये लाल हो जाए, और इसके बाद ये हम इसमें आलू को फ्राई करेंगे इसी के साथ में ही। और मुश्किल से 10 मिनट में ये साग पकता है, सिर्फ आलू को बस फ्राई होने तक का टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट या 8 मिनट बस जो टाइम लगे। आप देखिए हम इसमें आलू को फ्राई करेंगे। अब तो मेथी जाड़े में तो बहुत ही अच्छी सब्जी मानी जाती है, साग के मामले में आलू सोया है या आलू सोया मेथी है, आलू पालक सोया मेथी सब मिला के बनाते हैं।
देखिए अब ये इसको लाल हो जाए तो हम आपको इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे हमारी ये स्वाद अनुसार ये जल्दी से गुलाबी ब्राउन, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, ये जल्दी से भुज जाता है। ये 2 से 3 मिनट में अब ये लाल हो जाए तो हम आपको दिखाते हैं फुल फ्लेम करके ही इसको करना है। हाँ ये देखिए, ये मेरा आलू 2 से 3 मिनट में बिल्कुल भुज के फ्राई हो गया और ब्राउन हो गया है अच्छी तरीके से। अब इसमें हम ये सोया मेथी अपना डालेंगे और थोड़ा थोड़ा डालकर हम चलाएंगे। इसको डंठल काट कर धुल कर फिर मैंने काटा है, और इसमें एक भी डंठल न रहने से सोया मेथी अच्छे से देखने में मिल जाता है आलू के साथ में। आप लोग भी मेथी, अगर 50 ग्राम मेथी है तो 200 ग्राम सोया लीजिए और उसमें मीडियम साइज़ के 2 से 3 आलू लीजिए और फिर बनाइए। बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। हमारे रोटी के साथ में खाइए, पराठे के साथ में खाइए या दाल चावल के साथ में खाइए, जैसे भी आपको खाना है आप अपने तरीके से। अब आँच को फुल कर दे रहे हैं, मीडियम आँच में मैंने पकाया है, इसमें कोई पानी नहीं पड़ेगा। अब इसमें एक और की हल्दी रह गई है, हल्दी के बिना तो कोई साग सब्जी घर में खाना बनता ही नहीं। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा हल्दी, जो हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है। टर्मरिक तो हमारे हर काम में आगे है अपने आप में। देखिए अब मेरी सब्ज़ी एकदम, अब बस 2 मिनट हम और इसको ढककर पकाएंगे और आपको दिखाते हैं। हाँ ये देखिए, ये मेरी मैंने 5 मिनट इसको ढककर, देखिए कोई मैंने पानी नहीं डाला है, बिल्कुल देख लीजिए इसमें कोई पानी नहीं है, सिर्फ भाप से जो आलू और साग में जो पानी था थोड़ा बहुत, जबकि मैंने छन्नी से छान कर रखा था और आलू को फ्राई किया था। देखिए एक एक आलू, ये मेरा पूरा आलू देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ, ये आलू पक गया देखिए बिल्कुल बढ़िया। अब मैं सर्विंग बाउल में इसको सर्व करती हूँ, गैस को ऑफ करती हूँ। अब इसके साथ में आप पराठा रोटी कुछ भी खाइए, टिफिन में दीजिए। सारे लहसुन देखिए एकदम, अब आप भी इसी तरह आलू सोया मेथी की सब्जी भुजिया बनाइए और विजय इलाहाबादी को कमेंट करके आलू सोया मेथी की भुजिया बनाइए और विजय इलाहाबादी को कमेंट करके बताइए कि आपको ये भुजिया सब्जी कैसी लगी। और बहुत सारा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू।